कोरोना के खतरे को देखते हुए किए गए लॉकडाउन के बीच मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना शुरू हो चुका है। आज रमजान का दूसरा दिन है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लगातार राज्य सरकारें लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे दावे कर रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। दावा है कि यूपी सरकार ने सूबे में अजान पर पाबंदी लगा दी है, तो इस दावे में कितनी है सच्चाई और किसके तरफ से किए जा रहे हैं ये दावे, आइए पहले उन्हीं को देख लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अब नहीं होगी अजान? क्या योगी सरकार ने रमजान में अजान पर लगाई है रोक? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर किए गए दावों के बाद से उठ रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिदों में अजान पर पाबंदी लगा दी है। पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी समेत कई यूजर्स ने ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अजान पर पाबंदी लगा दी गई है। शाहिद ने ट्वीट किया, रमजान में अजान बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये एक क्षेत्र विशेष के लोगों को सहरी और इफ्तार के बारे में बताती है, इसे सुनकर ही लोग अपना रोजा तोड़ते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी अजान पर रोक नहीं लगाई गई है, फिर इसे यूपी में क्यों रोका गया है? शाहिद के अलावा अन्य कई यूजर्स ने भी इसे लेकर ट्वीट किए हैं, लेकिन जब ये मामला बढ़ा और हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की और यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि अजान को लेकर सरकार ने किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है। वहीं राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी अजान पर पाबंदी की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हर जगह अजान हो रही है, इस पर पाबंदी का सवाल ही नहीं उठता है। यानी हमारी पड़ताल में ये दावा एकदम झूठा निकला है। ऐसे और भी कई दावे और अफवाहें हैं जो लोगों को बरगलाने के लिए रोजाना सोशल मीडिया पर परोसी जाती हैं। लेकिन आपको इन अफवाहों के पीछे के सच को जानने की जरूरत है, जिससे डीबी लाइव हमेशा आपको रूबरू करवाता रहेगा। नमस्कार।